नमस्कार दोस्तों, वॉरियर्स किचन इन कनपुरिया टेस्ट में आपका स्वागत है। टेस्टी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम बनाने वाले हैं मोरी के पराठे। पराठे बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आजकल तो सर्दी का मौसम आ गया है और मूलियां बहुत ही हरी हरी जैसी आ रही है। देखिए, मैंने मूली को कद्दूकस करके रखा हुआ है और ये उसके पत्ते थे, तो ये वेस्ट हो जाते हैं इसलिए मैंने इसको भी काट के रख लिया है। और इसके मैं बनाऊंगी एक पराठे। तो देखिए पराठे कैसे बनाते हैं। पहले आपको कद्दूकस से मूली को कस लेना है और जो पत्तियां हैं इनको छोटी छोटी सी पतली पतली सी चाकू से काट लेना है। मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने ले लिया है आटा, जो आपके घर में नॉर्मल तरीके से मिलता है। ये आटा है, इसमें हम डालेंगे अजवाइन। ये आपने अजवाइन देखी, ये अजवाइन है, ये मोस्टली घर में मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो ये आप यूज कर सकते हैं, मार्केट से ला करके इजिली मिल जाएगा। इसको सीधे से नहीं डालिए, इसको ऐसे मैश कर दीजिए। इसको मैंने ऐसे मैश कर दिया, तब आप इसमें डालेंगे तो इसमें खुशबू अच्छे से आएगी। इसमें ऐड करना है आपको नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये नमक है, नमक के बाद आपको ऐड करना है रेड चिली। अगर आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप रेड डाल सकते हैं। ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे कि ज्यादा तीखा ना हो, बच्चे इजिली खा ले। फिर उसके बाद में आपको थोड़ी सी ऐड करनी है हींग। ये हींग है, हींग आपने देखी होगी मार्केट में भी इजिली मिल जाएगी और इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, मैं हींग है तो इसमें हींग को इसमें ऐड करूंगी। अब इसको अच्छे से आटे को मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स होने के बाद में अब इसमें आप जो आपने ग्रीन वेजिटेबल्स कट करी थी, मूली के पत्ते, ये मूली जो कसी थी आपने, आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए। सब डाल दीजिए, जितना ज्यादा आप डालेंगे तो उतना ही ज्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको डालने के बाद में इसको आटे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले। ये मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये जो हमारा मूली का आटा था इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको नॉर्मल तरीके से जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे हम इसको गूंद लेंगे। अभी मैंने आटे को गूंद के बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसको 5 मिनट तक छोड़ दें ताकि आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, आटे को बहुत गीला ना गूंदे, नहीं तो फिर इसके पराठे बन नहीं पाएंगे। तो इसको थोड़ा टाइट ही गूंदे और इसको जब 5 मिनट तक रख देंगे ना, क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये आटा सॉफ्ट हो जाएगा। तो आसानी से पराठा बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये मैंने चकले में आटा ले लिया है गुंदा हुआ। आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसका पराठा बेल लीजिए। आप चाहो तो ट्रायंगल में बनाओ, चाहो तो इसको सर्कल में बनाओ। मैं इसको अभी आपको बना के दिखाती हूँ। मैं इसका ट्रायंगल शेप यूज करूंगी। तो मैं पहले छोटी सी ऐसे इसको सर्कल में बना के फिर इसमें हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगाने के बाद में इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर इसके बाद में इधर भी आपको ऑयल लगाना है। ये मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसके बाद में इसमें सूखा आटा डाल के ये आपका ट्रायंगल शेप हो गया है। अब इसमें आप थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसको आप बेल लीजिए। अब मैंने इसको पराठे को बेल लिया है। ये देखिए बिल्कुल ट्रायंगल शेप पे है। और अब इसको मैंने ऑलरेडी पहले से ही तवा चढ़ा रखा था। ये देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगा दीजिए और ये मेरा तवा गर्म हो चुका है। मैं इसमें पराठा डाल दूंगी। अब इसको आप ऐसे से घुमा लीजिए और इसको पलटा दीजिए। देखिए इस तरह हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें ऑयल लगा दीजिए और दूसरी साइड पकने का वेट कीजिए। अब इसको फिर पलटा दीजिए और दूसरी साइड भी ऑयल लगा दीजिए इसमें।
आपको जो भी ऑयल पसंद हो, रिफाइंड या फिर सरसों का तेल, आप वो वाला यूज कर सकते हैं। मैं रिफाइंड यूज कर रही हूँ। अब इसको सेकने दीजिए। अभी मैं पराठा रेडी हो गया है। अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अब इसको आप किसी भी चीज में सर्व कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको किसी सब्जी के साथ या चटनी के साथ। सर्दियों में बच्चे बहुत स्वाद लेके खाएंगे। तो इस तरीके से आप मूली का पराठा बनाइए और हमें कमेंट में शेयर कीजिए कि आपका पराठा कैसा बना है।